चलिए भाई, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लोड करेंगे और उसके अंदर हम अपनी पहली डेटाबेस फाइल बनाएंगे। तो कैसे करेंगे ये काम? सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं और ये हमारे सामने आ रहा है एक्सेस 2016। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही हमारे सामने लॉन्च होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, एक पहले से बनी हुई डेटाबेस ओपन करनी है तो नीचे नज़र आ रही है, और अगर आपको नई डेटाबेस बनानी है तो ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर तो ये आपसे पूछेगा इसको कहाँ सेव करना है, तो आप बताएंगे इसको कि हमें इसको कहाँ पे सेव करना है। तो हमने इसको एक्सेस फाइल्स के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, डायमंड, और उसके अंदर ले जाके सेव कर दिया है मंसूर डीबी के नाम से, ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो डेटाबेस की फाइल सेव होती है उसका जो टाइप होती है वो SECDB होती है, SECDB, और इस फाइल को हम कहते हैं डेटाबेस फाइल, DB फाइल। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस सेव हो जाएगा और आप इससे कहेगा कि अब आप टेबल बना लें। फिलहाल हम टेबल को बना कर देते हैं और इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। ये इसका टाइटल बार है, ये इसका ऑफिस रिबन है, ये फाइल का मेन्यू है, और ये इसका नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन के अंदर हर वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा जो आप इस पर क्रिएट करेंगे, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो क्यूरी हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो फॉर्म्स हो। तो सबसे बुनियादी एलिमेंट होता है टेबल। तो आइए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे तो ये हमसे कहेगा कि इसको सेव कर ले टेबल को। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम का डेटाबेस बनाने वाले हैं। मतलब देखें, डेटाबेस हम उसी सूरत में बनाएंगे जब हमें कोई प्रॉब्लम का पता हो। जैसे हम किस किस चीज़ का डेटाबेस बना सकते हैं, देखें एक स्कूल है वो चल रहा है, उसमें स्टूडेंट के एडमिशन्स होते हैं, उनके फॉर्म्स बनते हैं, उनके रिपोर्ट्स बनते हैं, वो सारा काम मैन्युअली कर रहे होते हैं, उनका सॉफ्टवेयर बना के देना है तो उसके लिए डेटाबेस बना सकते हैं। एक हॉस्पिटल है, उसका सिस्टम है, वहाँ मरीज़ आते हैं, वो अपनी पर्ची कटाते हैं, वहाँ पे किस बीमारी में आ रहे हैं, कोई उनका डॉक्टर उसको अटेंड कर रहा है, उसके लिए एक डेटाबेस बना सकते हैं। और उसके बाद जो है हमें वहाँ पर जो है एक दुकान है जहाँ पे काफ़ी सारे आइटम हैं, सेल होते हैं, तो उसका हम पहले आइटम को स्टोर करने का एक डेटाबेस बना सकते हैं, और जो सेल हो रहा है डेली आइटम उसका बिल वगैरह बनाने का भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो ऐसे किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, मतलब वही काम जो ज़िंदगी में पहले हो रहे हैं कापी पेन किताबों के ऊपर, उनका ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई एक छोटा बड़ा डेटाबेस बना के, सॉफ्टवेयर बना के अपने काम को आसान कर सकते हैं, उस काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हम चले एक स्कूल की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसका नाम रख लिया जनरल रजिस्टर। तो यहाँ पे एक जनरल रजिस्टर करके हमने इस टेबल का नाम रख दिया। मैं इसका नाम ऐसे रखना चाहूँगा जैन रेज, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में ओके कर दिया, एक टेबल बन गया। अब टेबल क्या है, जैसे हमने वर्ड में सीखा था टेबल वैसे ही होता है, लेकिन इस पर टेबल के दो मॉड्यूल हैं। मतलब जैसे कि आप इस पर टेबल पर जब ओपन करेंगे तो ये इसका डेटा एंट्री व्यू है, और जब आप इसको क्लिक करेंगे राइट बटन दबा के डिज़ाइन व्यू में ले जाएंगे तो ये इसका एक डिज़ाइनिंग व्यू है जिसमें आप इसके सेट कर सकते हैं फील्ड्स। अब फील्ड क्या होती है, जैसे हम एक्सेल में सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, कास्ट वगैरह लिखते थे, इसमें फील्ड को कहा जाता है और उनको फील्ड को यहाँ लिखा जाएगा। सेकेंड रो से शुरू करेंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, तो डी डेट ऑफ एडमिन के नाम से एक फील्ड बना दी, फुल नेम के नाम से एक फील्ड बना दी, एफ नेम के नाम से एक फील्ड बना दी, सर नेम के नाम से एक फील्ड बना दी, DOB के नाम से एक फील्ड बना दी, और इस तरह से और भी फील्ड्स हम इसमें ऐड करा सकते हैं। मैं ये मशवरा दूंगा कि आप फील्ड का नाम स्मॉल लेटर्स में लिखें, और स्मॉल लेटर्स में लिखने के साथ साथ उनमें स्पेस ना दें। अच्छा, अब अगला सेक्शन है इसका जो है डेटा टाइप का। अब डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप जैसे कि भाई ये जो डेट ऑफ एडमिशन फील्ड है इसके अंदर किस तरह का डेटा ऐड किया जाएगा, वो आप यहाँ पे क्लिक करके डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लिख रहा है कि उसके अंदर एक स्ट्रिंग ऐड किया जाएगा, मतलब टेक्स्ट ऐड किया जाएगा, तो आप उसको शॉर्ट टेक्स्ट में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें 2-3 लाइन का डेटा ऐड किया जाएगा तो उसको आप लॉन्ग टेक्स्ट में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर डेट स्टोर की जाएगी तो आप उसको डेट टाइम में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर जो है इसका क्या
इसके अंदर जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जो है सिटी, डिस्ट्रिक्ट और वगैरह भी चीज़ें ऐड करानी है तो वह भी आप ऐड करा सकते हैं। अब डेटा को ऐड कराने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने इसके अंदर डेटा ऐड कराया तो इसमें एक तरीका तो ये है कि जो मैंने फील्ड के नाम लिखे वो ठीक है। अब जब मैं टेबल को यहाँ से बंद करके डेटा एंट्री मोड में खोलूंगा तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन आएगा जहाँ पे मैं स्टूडेंट का डेट ऑफ एडमिशन डालूंगा और फुल नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहम्मद मंसूर तो मोहम्मद मंसूर लिख देते हैं और फादर नेम में लिख देते हैं आमिर अली, आमिर हुसैन और इसमें लिख देते हैं चौहान और डेट ऑफ बर्थ में हम इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। जैसे हमने इसमें एक डेट ऑफ बर्थ डाल दी, क्या है 1 जनवरी 2024 2/12/2006 ठीक है। तो एक तो फील्ड ऐसी होती है जिनमें हम डेटा इस तरह से लिखते हैं और एक फील्ड ऐसी होती है जिनके अंदर हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हमें सिलेक्ट करने वाली फील्ड बनानी है तो दोबारा टेबल को डिजाइन व्यू में खोलना होगा और यहाँ क्लिक करके उन फील्ड को हम डिफाइन करते हैं लुकअप विजर्ड के जरिए। लुकअप विजर्ड दो तरह से हो सकती है। एक लुकअप विजर्ड आप ऐसे बनाते हैं जिसमें आप आई विल टाइप इन वैल्यू डेट आई वॉन्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर वो डेटा जो इसमें सेलेक्ट किया जाना है वो आप यहाँ पे पहले से टाइप कर देते हैं, जैसे मेल, फीमेल और अदर्स। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फील्ड का नाम आप सेट कर देते हैं जेंडर्स के ऊपर, फिनिश कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दें। अब आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली एक ऐसी फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसमें टाइप करने की जरूरत नहीं है बल्कि डेटा यहीं से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की फील्ड्स को हम लुकअप फील्ड्स कहते हैं। डिजाइन व्यू में हमने जेंडर को टाइप नहीं किया, वो लुकअप विजिट करके फिर फील्ड का नाम, हाँ फील्ड का नाम रख दिया। ठीक है, वैसे शुरू पे भी रख देते तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, यही काम आप लुकअप विजर्ड को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक और टेबल बना लें। जैसे हमने यहाँ टेबल पे क्लिक किया, इसको सेव किया और यहाँ पे हमने स्कूल क्लास के नाम से एक टेबल बना लिया और उस स्कूल क्लास टेबल को हमने राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू में जाके यहाँ पे हमने नाम रख दिया क्लास नेम और यहाँ पे उसकी शॉर्ट टाइप रख दी और इसको खोल के इसके अंदर हम ऑलरेडी हमने इसके अंदर क्लासेस ऐड कर दी, जैसे क्लास नर्सरी, क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और फर्दर भी हम ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम टेबल के इस वाले जे आर रजिस्टर के टेबल को खोल के हम यहीं पर आके उसी क्लास को यहाँ पर लुकअप भी कर सकते हैं, यानी कि इस टेबल को यहाँ पे इस टेबल के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और यही वो डिफरेंस है जो हमें एक्सेल और एक्सिस के दरमियान का फर्क देता है। ये काम कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आएंगे कहाँ पे लुकअप विजर्ड पर और यहाँ से क्लिक करेंगे आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल टू क्यूरी नेक्स्ट और यहाँ से आप उस टेबल का बताएंगे जिससे इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं और यहाँ से आप उसकी वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे जो आप लेना चाह रहे हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट करके फ्रिश करेंगे, यस करेंगे और कंट्रोल एस करके सेव करेंगे तो ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है। अब आप जब इस टेबल को खोलेंगे तो उस टेबल का डेटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है,